हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू द रियल स्वाति। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में और मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना एक छोटू सा ब्लॉग शेयर किया जाए आपके साथ। तो यहाँ पे मैं किचन अप्लायंसेस में आई थी, तो मुझे यहाँ पे जस्ट दिखा था स्टील कॉपर टॉप। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था, काफ़ी हैवी बॉटम था इसका और इसकी प्राइस सिर्फ 499 थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सर्च किया कि अब क्या लिया जाए, तो मैं गई वुडन सेक्शन में, तो वहाँ पे मुझे 59 रुपीज़ का ये मैशर मिला। ये हम पाव भाजी के लिए या फुलके के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब मैं ऊपर के सेक्शन में देखी तो ऊपर भी वुडन के सब स्पून वगैरह थे और ये 59 रुपीज़ का था जो हम छाछ वगैरह इसके लिए यूज़ करते हैं वुडन का। और उसके बाद में ये जो स्पून थे, ये सेट स्पून का था, ये ओनली फॉर 99 रुपीज़ का था। आफ्टर दैट मैं कटोरी स्टील सेक्शन में आई और उसमें मुझे कटोरी दिखी और ये बाय वन गेट वन का ऑफर था कटोरी पे, तो ये 150 की कटोरी थी। काफ़ी हैवी थी और बड़ी थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कटोरी। एक कटोरी 75 रुपीज़ की थी। उसके बाद मैं दूसरे साइड गई, छोटी कटोरी का था वो सेक्शन और उसमें भी छोटी स्मॉल कटोरी भी काफ़ी अच्छी थी, हैवी थी और जिसकी प्राइस ओनली फॉर 39 की थी, 39 रुपीज़ के ओनली। और उसके बाद में ऊपर ग्लास का सेक्शन था तो वो मैंने चेक किया, तो ये ग्लास भी काफ़ी हैवी थे और काफ़ी ऑसम लगे मुझे और उसकी प्राइस ओनली 76 रुपीज़ थी। और फिर मैं प्लेट सेक्शन में देखा मैंने, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे गोल्ड डिज़ाइन के प्लेट दिखे, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन भी थी और ये भी बाय वन गेट वन थे और इसकी प्राइस थी 199। ये बहुत अच्छा ऑफर था और काफ़ी ठीक प्लेट थे ये और इसके साइड से भी अच्छी डिज़ाइन थी। अगर आप एक प्लेट लोगे तो आपको ये ओनली 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे एक छोटी सी गोल मटोल सी कटोरी दिखी, बहुत अच्छी लगी मुझे, इतनी पसंद आई मुझे, सेम प्लेट के जैसे उसके ऊपर डिज़ाइन थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी भी प्राइस ओनली 119 की थी बाय वन गेट वन में, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। उसके बाद में जो स्टेनर है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका कलर भी ऑसम था, लेवेंडर कलर। इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कट कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, जो भी है सब्जियां वगैरह वॉश कर सकते हैं। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आफ्टर दैट ये जो चॉपर है इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी, 179 में पिजॉन का था। उसके बाद में ये जो चॉपिंग बोर्ड है ये भी काफ़ी अच्छा था और उसके साथ वुडन स्पून भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे और उसकी भी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल थी, 300। और ये जो सॉस पैन है, मिल्क पैन बोल सकते हो या टी पैन देख बोल सकते हो, तो वो भी काफ़ी बेस्ट था। तो जस्ट आपके लिए मैंने वो बॉक्स ओपन करके उसकी क्वालिटी चेक करी, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी। काफ़ी ये हैवी था और फिर मैंने अंदर से टॉप भी स्टील का निकाली, वो भी काफ़ी अच्छा था, इसमें आप दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं और काफ़ी बेस्ट था, मतलब 249 में और क्या चाहिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑफर लगा, तो ये बेस्ट था। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और भी बहुत कुछ था इसमें, जैसे कि ये छोटी सी कढ़ाई जो थी, कढ़ाई सेक्शन था, इसमें ओनली फॉर 99 रुपीज़ की कढ़ाई थी। ये काफ़ी अच्छी है, आप नॉर्मल शॉप में जाओगे यही कढ़ाई आपको 350 तक के मिल जाएगी, या 350 या 250, बट इधर रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में आपको ओनली फॉर 99 में ये मिल जाएगी ऑफ़र में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कढ़ाई पर डिज़ाइन भी काफ़ी ऑसम थी, तो कुछ ऐसा था यहाँ का। और मैंने फिर नीचे देखा तो छोटू सा सॉस पैन था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझसे रहा नहीं गया तो भी मैं नीचे बैठ के आपको दिखाई। तो गाइज़, मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ, आप मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर सकते। और ये जो नॉनस्टिक के जो थे पिजॉन के कढ़ाई सेट वगैरह, ये भी काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद फिर मैं डब्बा सेट में आई और यहाँ पे चार डब्बे की प्राइस थी स्मॉल कंटेनर की ओनली 49 रुपीज़ की। और ये भी स्मॉल टिफ़िन बॉक्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी रोटी दाल चावल समथिंग, ये भी 49 के थे। और ये कुछ छोटे से स्पाइसेस बॉक्स थे, ये भी काफ़ी बेस्ट थे, ओनली फॉर 49 के। और क्वालिटी की तो आप यही मत करना, बहुत अच्छी क्वालिटी थी प्लास्टिक की और ये 59 रुपीज़ के भी काफ़ी अच्छे थे कंटेनर। उसके बाद फिर ये जो 99 का कंटेनर था, ये भी काफ़ी बेस्ट था, काफ़ी थिक था प्लास्टिक का उसका।
और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आफ्टर डैट ये जो 3 बर्नी का सेट था ये भी काफ़ी बेस्ट था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस थी, ओनली 99 रुपीज़ में 3 बर्नी, तो ऑसम था ये। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना बड़ा कुछ देखा जाए डब्बा कंटेनर में, तो इसमें आप राइस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दालें, राइस फ्लावर या चने का आटा वगैरह ऐसे सब रख सकते हो। तो ये बड़े कंटेनर थे, ये भी ओनली फॉर 99 में। इसकी प्राइस ऑलरेडी 200 है, बट ये सेल चल रहा था तो 99 में ऑफ़र में मिल रहा था। उसके बाद ये जो जार जैसा है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाय द वे ये जार जैसा दिख रहा है बट ये जार नहीं था, ये भी प्लास्टिक कंटेनर था। ये भी काफ़ी अच्छा था, इसका लिड भी काफ़ी अच्छा था डब्बे का, तो मुझे पसंद है। उसके बाद मैंने जो बॉटल थी स्टील की ये भी 200 की मिल गई थी यहाँ पे सेल में, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस लगा 199 का। उसके बाद में जो प्लास्टिक की बॉटल है वो भी ओनली फॉर 199 का सेट था, तो ये भी काफ़ी बेस्ट था। उसके बाद में जो पिंक कलर की बॉटल है जिसमें हम शेक वगैरह पीते हैं वो भी 175 ओनली प्राइस थी उसकी, वो भी काफ़ी बेस्ट प्राइस थी बॉटल्स की, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। आफ्टर दैट ये जो ट्रे, हम आइस ट्रे जो ये करते हैं फ्रीज़र में, तो ये भी काफ़ी बेस्ट था आइस ट्रे, और इसके ऊपर भी लीड था, तो आप ये मतलब जूस में भी डाल के पी सकते हैं। एकदम टोटली बेस्ट था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। 69 का था वन सेट पूरा, और जो बड़ा था वो 100 अबव था। उसके बाद जो आटा छानते हैं वो भी अच्छा था स्टेनर जैसा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओनली फॉर 129 रुपीज़ का स्टील का था, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी उसकी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और ये जो एप्पल स्लाइसर है ये भी काफ़ी बेस्ट था, और ये जो ब्लेंडर है हैंड ब्लेंडर ये भी काफ़ी ऑसम था, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में लगा। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय।